इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें दक्षिण भारत में उभरते नए समीकरणों की ओर इशारा भी करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूते आंध्र प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, पीएम मोदी के साथ गले मिलते जगन रेड्डी, पीएम मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जगन रेड्डी। इस करीबी का नतीजा ये है कि भाजपा की तरफ से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जगन रेड्डी की पार्टी को ऑफर किया गया है। नए लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत 17 जून से हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव उसके बाद ही किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष के चयन की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सत्ताधारी भाजपा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को लोकसभा के उपाध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद हैं। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता जेबीएल नरसिम्हा ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात भी की। मंगलवार को जगन रेड्डी और जेबीएल नरसिम्हा की मुलाकात करीब आधा घंटे तक चली। हालांकि अभी तक जगन ने इस मुद्दे पर कोई फैसला किया नहीं है। जगन इस ऑफर को स्वीकारने से पहले पूरी तरीके से सोचना चाहते हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि हालिया चुनाव में उनकी पार्टी को मुस्लिमों और ईसाइयों ने बड़ी संख्या में वोट दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी शानदार सफलता हासिल की है। अगर जगन भाजपा के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे राजनीतिक संदेश ये निकलेगा कि वो मोदी के करीब जा रहे हैं और इससे उनका वोट बैंक भी नुकसान में पहुंच सकता है। जब से जगन ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, तब से उनके और पीएम मोदी के बीच रिश्तों में काफी गर्मजोशी देखने को भी मिल रही है। आंध्र प्रदेश के चुनाव जीतते ही जगन सबसे पहले पीएम मोदी से मिलने दिल्ली आए और साथ ही उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भी उन्हें दिया। हालांकि पीएम व्यस्तता के कारण उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाए, लेकिन पीएम मोदी के हाल यह आंध्र दौरे पर जिस तरीके से जगन उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और पीएम मोदी के पैर छुए, वो ये बताने के लिए काफी है कि दोनों नेताओं के बीच करीबियां बढ़ रही हैं। आगामी 15 जून को जगन नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होगी और लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर चर्चा भी हो सकती है। हो सकता है उसके बाद जगन कोई फैसला ले लें। दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा भाजपा का कहीं कोई जनाधार नहीं है। तमिलनाडु में AIADMK के रूप में उसने एक साथी चुना है और अब आंध्रा में जगन को अपने नए सहयोगी के रूप में देख रही है। अगर जगन भाजपा का ऑफर ये स्वीकार करते हैं तो इससे निकला राजनीतिक संदेश दूर तक असर करेगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी को ही दिया जाता है। 2014 में ये पद AIADMK के नेता M. थाम्बी दुरई के पास था।